नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज। मैं राजकुमार कोरी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। धर्मेंद्र कुमार ने लगाया कमरौली पर गंभीर आरोप। बड़ी खबर, जनपद अमेठी के थाना कमरौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा जाफरगंज का है, जहां पर धर्मेंद्र कुमार ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप। आपको बताते चलें कि धर्मेंद्र कुमार का उसके चाचा राजकुमार से किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हुई, जिसमें चाचा राजकुमार एवं चाचा की पत्नी रूपा एवं उसका लड़का दिनांक 16/7/2022 को सुबह लगभग 6 बजे धर्मेंद्र कुमार को मार पीट रहे थे। बीच बचाव करने आई धर्मेंद्र कुमार की पत्नी अंजनी कुमारी को लोहे की सरिया से मारकर सर फोड़ दिया और लहू लुहान कर दिया, जिससे अंजनी कुमारी जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तत्पश्चात धर्मेंद्र कुमार अपनी पत्नी को लेकर लिखित प्रार्थना पत्र के साथ थाना कमरौली पहुंचा और प्रार्थना पत्र दिया। तब थाना कमरौली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय प्रार्थी धर्मेंद्र कुमार के साथ आनाकानी करते हुए भगा दिया। आइए जानते हैं धर्मेंद्र कुमार की ही जुबानी। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं जाफरगंज में रहता हूँ, थाना कमरौली लगता है, जिला अमेठी पड़ता है। क्या मामला? हमारे घर में एक चाचा रहते हैं जो है, और उन्होंने लड़ाई झगड़ा चालू, काफ़ी दिन से लड़ाई झगड़ा चालू कर रखे थे। हम काफ़ी दिन कुछ बोल भी नहीं रहे थे जो है, मगर मामला ज़्यादा गंभीर हो गया है। हमारी वाइफ को भी काफ़ी मतलब चोटें आई हैं। जो हमारी मम्मी है, उन्होंने कहा था कि नीचे ताला बंद कर लो, मतलब रात को कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे जो है आते थे, और बाहर का चैनल ऐसी रात भी रात खुला रहता था। तो उस कारण जो है मम्मी ने कहा ताला बंद कर लिया करो, तो हमने ताला बंद कर लिया उनके कहने पर। उसके बाद वो आए, ताला तोड़ डाला, लड़ाई झगड़ा उठी थी, गाली देने लगे, हमको भी गाली दी, इनको भी गाली दी, वाइफ को भी हमारी। चोटें आई हैं? चोटें हमको भी यहाँ कंधे पर लगी हुई है और हाथ में थोड़ा आई हुई है, इनके सिर में मारा हुआ है। थाने नहीं गया? थाने गए थे, थाने में वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई, थाने में अप्लीकेशन भी दी गई। आज तीसरा दिन हो रहा है, मेडिकल वेडिकल कुछ नहीं किया गया हुआ है अभी तक। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आगे?